Bulabinaka, I'm another Sorbokro of Nayabu Wenimboga Telebu. Whenever I want to tune in to listen to great music, I always tune in to my favorite radio station, Gold FM, only the classic. My name is Lita. We love listening to Gold FM here at the Fiji Hideaway Resort and Spa. Gold FM, only the classic hits. We're here at Tano Waterfront Lautoka. Love listening to Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं प्रणीता प्रकाश। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में फॉरेन वर्कर्स यानी जो लोग बाहर देश से यहां काम करने के लिए आते हैं उनके विस्टा परमिट्स को बढ़ाया नहीं जाएगा। देश में सभी बिजनेसेस और कंपनीज को यह आदेश दे दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एक्सपेट्रिएट्स केवल 14 दिनों के लिए यहां आते हैं लेकिन यहां रहने के लिए उनके समय को होस्ट कंपनीज द्वारा कुछ और समय के लिए बढ़ा दिया जाता है जबकि उनकी कंपनीज इसे बढ़ाने के लिए अर्जी देते हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कुछ एम्प्लॉयर्स एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करके विस्टा परमिट्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जो एक्सपेट्रिएट्स विस्टा परमिट पर यहां आते हैं वे यहां आने के 12 हफ्तों तक कंसल्टेंसी का कार्य कर सकते हैं। ये अवधि समाप्त हो जाती है तो एक्सपेट्रिएट को देश छोड़कर जाना होगा। अगर एम्प्लॉयर्स एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। मौसम में बदलाव के कारण शाक भाजी यानी वेजिटेबल्स के दामों में वृद्धि हुई है। कुछ कुछ वेजिटेबल्स को खरीदने और उसे बेचने में सुपर मार्केट वेंडर्स मुश्किलों का सामना कर रहा है जबकि इन वेजिटेबल्स के दामों में वृद्धि हुई है। सुबह यूनाइटेड मार्केट वेंडर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सोफिया थालेई का कहना है कि पिछले साल के मध्य से वेजिटेबल्स के दामों में वृद्धि हुई है तथा ये वृद्धि अभी भी जारी है। इसके अलावा पिछले साल नवंबर से सिंगतोका में फ्लडिंग के कारण कई फसलें बर्बाद हो गई है। सुबह मार्केट में सबसे ज्यादा सप्लाईज सिंगतोका से आती है। थालेई ने अनुमान लगाया है कि वेजिटेबल्स के दामों को सामान्य होने में 3 हफ्ते लग सकते हैं। सरकार को रेंटल अरियर्स के रूप में $23.7 मिलियन से ज्यादा भरे नहीं गए हैं। मिनिस्टर फॉर लैंड्स फैयाज कोया ने कल संसद में अपने मिनिस्टेरियल स्टेटमेंट में कहा कि इन अरियर्स के बावजूद रेंटल्स भरे जा रहे हैं। कोया के अनुसार फीजेंस की मदद करने के लिए मिनिस्ट्री ने एमनेस्टी पीरियड शुरू किया है ताकि लोगों को इंटरेस्ट न भरना पड़े। फिलहाल मिनिस्टर के अनुसार 2014 से मिनिस्ट्री ऑफ लैंड्स ने स्टेट लैंड में 40 इनफॉर्मल सेटलमेंट यानी स्क्वाटर सेटलमेंट का सर्वे किया है और 318 अप्रूवल नोटिसेस दिया है जिसमें 96 वेस्टर्न डिवीजन में 133 नॉर्दर्न डिवीजन में और 89 सेंट्रल डिवीजन में थी। मिनिस्ट्री और भी अप्रूवल नोटिस और लीज देने की उम्मीद कर रही है जिससे और भी परिवारों की मदद होगी। और खेलकूद की खबरों में फ्रांस बेस्ड प्लेयर्स फिजी एयरवेज नेशनल सेवन्स टीम का हिस्सा नहीं होंगे जब वे कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेंगे। कोच जोन मकी जो कल फ्रांस से लौटे का कहना है कि फ्रांस में क्लब्स अपने प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे। फिजी रग्बी यूनियन ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए लियोने नकारावा सेमी रनरानरा जसुआ तुइसोवा जैसे प्लेयर्स को अपने एक्सटेंडेड स्क्वाड में शामिल किया है लेकिन ये प्लेयर्स शायद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए नहीं खेलेंगे। फ्लाइंग फीजियंस कोच जोन मकी का मानना है कि केवल जुलाई में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स को रिलीज किया जाएगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM को भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। मैं प्रमिला वायरुकु रेकी रेकी से सुबह मेरी आंख खुलती है तो मैं मिर्ची FM सुनती हूँ। मिर्ची FM इज नंबर 1। इट्स सो हॉट। हम लोग बार टाउन के केरियर ड्राइवर लोगों ने हम लोग के मिर्ची FM सुनो अच्छा लगे। मिर्ची FM इज हॉट। हाय, मैं संध्या नारा रेफरी से। मेरे सारे दोस्त मिर्ची FM सुनते हैं। मिर्ची FM इज हॉट। आई लव मिर्ची FM। हमें अश्विन टोटो ताबू के मिर्ची FM में सबसे अच्छा गाना बजे। मिर्ची FM इट्स हॉट।